जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सूबे के हालात को लेकर बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के तंज भरे अंदाज में कश्मीर आने का न्योता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखे कटाक्ष के साथ जवाब दिया है। राज्यपाल मलिक को जवाब देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मैं विपक्ष के नेताओं के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख आने के आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। हमें विमान की जरूरत नहीं है, बस हमें वहां घूमने, वहां रह रहे लोगों, नेताओं और सैनिकों से मिलने की आज़ादी दे दें। आपको बता दें कि तल्ख और तंज वाले अंदाज में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मैंने राहुल गांधी को यहां आने के लिए न्योता दिया है, मैं उनके लिए विमान भेजूंगा ताकि वो स्थिति का जायजा लें और फिर बोलें। सत्यपाल मलिक पर ट्विटर के जरिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी निशाना साधा। थरूर ने कहा, सिर्फ राहुल गांधी क्यों, हम कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल साहब से मांग करते हैं कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर में बुलाया जाए। ये प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के हालात का जायजा लेगा, आप इस यात्रा का इंतजाम करें। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता जेडीयू राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। जिस आवाज को 70 सालों तक कांग्रेस ने नहीं सुना, जिस आवाज को 70 सालों तक इन सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं ने नहीं सुना, जो आजकल कम्युनलिज्म का चूरमा बांट रहे हैं, उस आवाज को सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। What is important is the return of normalcy to Jammu Kashmir, for which you don't need special visits on special planes. जम्मू कश्मीर में हालात जल्द सामान्य हो, पाबंदियां हटें, आवाजाही पहले जैसी हो, ये कौन नहीं चाहेगा। लेकिन सवाल ये है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स के लिए पार्टी पॉलिटिक्स और सियासी चश्मे से कश्मीर को देखना और दिखाना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।